हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी चकली, और मैं आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ आप इसको आसानी से घर में कैसे बना सकते हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं और कहीं जा रहे हैं सफर में तो भी आप इसको साथ में ले जा सकते हैं। ये मैंने धो के और इसको भिगा के रखा था, अब मैं इसको बॉईल कर। आप दाल को एक पतीले में भी बॉईल कर सकते हैं या आप इसको कुकर में बॉईल कर लें। मैं कुकर में बॉईल करने वाला हूं क्योंकि मुझे पानी नहीं चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे बॉईल करनी है। दाल डालने के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। पानी आप ज्यादा ना डालें, एकदम जरा सा डालें बस। दाल को आपने हल्का सा बॉईल करना है, दाल आपने चढ़ा देना है और 3 से 4 सीटी मारना है। जब तक हमारी दाल बॉईल होगी तब तक हम आटे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप भी आटा हल्का रोस्ट कर लें। आपने स्लो गैस में हल्का सा रोस्ट करना है और आटे को लाल नहीं करना है, बस इसकी हल्की सी कच्चेपन की स्मेल चली जाए। ये देखिए आटा हमने भून लिया है, अब आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए दाल हमारी बॉईल हो चुकी है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसी तरीके से आपने बॉईल करना है। अब मैं इसको एक बॉल में निकालूंगा। ये देखिए ऐसे निकालने के बाद और आपने इसको ऐसे अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, और आप मैश करेंगे साथ में ये ठंडी भी हो जाएगी। ठंडा जरूर आपने करना है, ठंडा होना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए इस तरीके से दाल आपने मैश कर लेना है, और दाल आपकी ऐसी बॉईल होना चाहिए जो ऐसे मैश हो जाए एकदम ऐसे। ये देखिए आटे के जैसे। अब हम इसमें डाल देंगे आटा। आपने गेहूं का आटा लेना है, गेहूं का आटा खाने में हेल्थी होता है तो गेहूं का आटा सही है। आटा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक। ये सारी चीजें डालने के बाद हम इसको गूंद लेंगे, और आपने एकदम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और इसको टाइट गूंदेंगे। पानी आप एकदम से ना डाल दें, मैं आपको बहुत बार ये चीज बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए इस तरीके से आपने आटा गूंदना है। जब आटा ऐसा गूंद जाएगा तब आपने इसमें डालना है 2 चम्मच तिल। तिल डालना बहुत ही जरूरी है, तिल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इसमें। तिल आप पहले भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ऊपर से डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि फिर ये दिखता है अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से आप आटा गूंद लें। आटा आपका ऐसा होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा नरम। ये बहुत ही अच्छा गूंद चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट रख दूंगा ढक के, आप भी 10 मिनट रख। ये देखिए बहुत ही अच्छा आटा हो चुका है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने एक ऐसे पन्नी बिछा लेना है, आप चाहें तो सिल्वर फॉइल भी बिछा सकते हैं लेकिन पन्नी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब हम ये लेंगे डाई और इसके अंदर हम डाल देंगे चकली का ये सांचा। ये देखिए ये आपने डाल देना है इस तरीके से। अब ये हम आटा ऐसे लेंगे, ये देखिए, और आपने इस तरीके से इसको ऐसे गोल बनाना है, ये देखिए, और आपने ऐसे इसमें डाल देना। ये देखिए इस तरीके से आप डाल दें। ऐसे डालने के बाद हम ये कस देंगे, इस तरीके से आपने कस लेना है अच्छे से। ऐसे कसने के बाद अब हम करेंगे बनाना स्टार्ट। ये देखिए आपने ऐसे बनाना है। ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है चकली बनाने का, आप ऐसे आसानी से घर में बना सकते हैं। कितनी बड़ी रखनी है ये आपकी मर्जी है, मैं इतनी बड़ी रखने वाला हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने बना लेना है। मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इसी तरीके से सब बना लें, और आप इससे छोटी भी बना सकते हैं बड़ी भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने इतनी बड़ी बनाना है इतनी छोटी बनाना है, आप बड़ी छोटी जितनी भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी चकली बना ली है। ये जो इसका कोना है ये आपने ऐसे चिपका देना है ताकि छूटे ना, इस तरीके से आप चिपका दें। इसमें ऐसे चिपकाने के बाद अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल मैंने चढ़ा दिया है। फ्राई करने के लिए आपने ऐसे उठाना, ये देखिए स्लाइसर से आसानी से उठ जाते हैं। ऐसे कढ़ाई में डाल देना है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, तेल गर्म होना चाहिए और गैस स्लो होना चाहिए। आपने गर्म तेल में डालना है ताकि खुल ना जाए, और जितने एक बार में आसानी से तेल में आ सकते हैं आपने उतने डाल देना है।
ज्यादा ना डालें, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दें, हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपने इसको ऐसे पलट देना इस तरीके से, ये देखिए, और बहुत ही अच्छी आपकी चकली बन जाएगी, आपको खाने में बहुत ही मजा आएगा। आराम से आपने इसको पकने देना है। ये देखिए, जब इस तरीके से एक अच्छा बेहतरीन कलर आ जाएगा और ये एकदम हल्की और क्रिस्पी हो जाएगी, तब आपने इसको निकाल लेना है। ऐसे आप निकाल लें, मैं भी इसी तरीके से सारी निकाल लूंगा। ये देखिए दोस्तों, चकली मैंने सारी फ्राई कर ली है और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार हुई है। ये देखिए, तिल चमक रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक आपको तोड़ के दिखाता हूँ कितनी कड़क हुई है, देखिए बहुत ही कड़क आवाज आ रही होगी आपको। आप इसी तरीके से बनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आया चकली और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया आप आसानी से घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए